जैसे ही आप कमान को आगे पीछे घुमाते हैं, चुंबक कॉइल के अंदर तेज से घूमते हैं और उससे एलईडी जलता है। इस ओपन जनरेटर को बनाने के लिए आपको 1000 टर्न इंसुलेटेड कॉपर वायर के 38 गेज के चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूनाइनियम मैग्नेट चाहिए, एक निटिंग नीडल आदि चाहिए। सबसे पहले 1000 टर्न को आप एक प्लास्टिक की बोतल के ऊपर इस तरह से बांधे। ये आपकी कॉइल बन गई। इसके दोनों सिरों को आप खुरचें जिससे कि उनका इंसुलेशन निकल जाए, और दोनों सिरों को आप एक एलईडी के साथ में जोड़ दें। अब ये हो गई आपकी कॉइल जो एक एलईडी के साथ में जुड़ी है। उसके बाद में एक रबर का टुकड़ा लें छोटा सा, और उसके दोनों तरफ दो स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली न्यूडाइम के मैग्नेट चिपका दें। इस रबर के बीच में छेद है जिसमें से आप एक स्वेटर बुनने वाली जो सिलाई निटिंग नीडल है उसको डाल दें। जैसे ही आप चुंबकों को कॉइल के बीच में घुमाएंगे, एक घूमती हुई विद्युत क्षेत्र पैदा होगा जिससे एलईडी जलेगा। अब आप चुंबकों को और कॉइल को इस तरह से एक लकड़ी के फ्रेम में असेंबल कर दें। फिर आप जैसे ही कमान को चलाएंगे, ये देखिए चारों तरफ से आप इस पूरे ऐपरेटस का नज़ारा देख सकते हैं। बीच में कॉइल है, कॉइल के बीच में दो चुंबक हैं, खड़ी भी वो एक सिलाई वाली है नीडल। और जैसे ही आप कमान से सिलाई की नीडल को घुमाते हैं, चुंबक बीच में घूमते हैं, शक्तिशाली एक मैग्नेटिक फील्ड घूमती है और जो इस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ या करंट पैदा करती है जिससे एलईडी जलता है। यहाँ पर आप चुंबक की गति को कॉइल के अंदर क्लोजअप में देख सकते हैं। और जैसे ही चुंबक घूमते हैं कॉइल के अंदर, कॉइल में एक ईएमएफ पैदा होता है, एक हल्का करंट पैदा होता है और जो एलईडी को जला सकता है। यह सिद्धांत दर्शाता है एक जनरेटर का। दुनिया में जितने बड़े बड़े जनरेटर होते हैं वो सभी इसी सिद्धांत के ऊपर आधारित होते हैं।